वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि वर्ड सावित्री की मैंने क्या क्या तैयारी हो रही है। तो ये वाली जो साड़ी है इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताऊँगी। तो ये मैं वर्ड सावित्री पहनने वाली हूँ जो कि फॉल के लिए जा रहा है। एंड उसके साथ ये मतलब ये पीस है पेटीकोट का, पर मैं इसको यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं रेडीमेड पेटीकोट ही यूज़ करती हूँ जो कि मेरे पास इससे मिलते जुलते कलर का है। गुड आफ्टरनून फैमिली। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:15 और मैं जा रही हूँ हेयर कट लेने क्योंकि अभी गर्मी है। मैं एक छोटी बांधती हूँ तो वो बाल जो है मेरा पूरा कंधे तक आता है तो मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो मुझे क्लचर लगानी पड़ती है। मेरे हेयर जो इतने अच्छे कट हो चुके हैं लेकिन मैं वैसे बाल रखती हूँ तो उसका कटिंग बेकार हो रहा है, इसके चलते मैं थोड़ा कट करवा रही हूँ। एंड आई एम एन्जॉइंग माई शॉर्ट हेयर स्टाइल, तो इसलिए मैं थोड़ा उसको ट्रिम करवाने जा रही हूँ। एंड आईब्रो थ्रेडिंग करवाने के लिए आज ही हो गया एंड मम्मी भी जा रही है। चलो ठीक है, मिलते हैं वहाँ पहुँच के। तो मैं आ गई हूँ पार्लर में। जो कि मेरे ब्लॉग्स रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मेरे जो हेयर थे वो कमर के नीचे तक थे और मैंने दुर्गा पूजा के टाइम में उसे ट्रिम करवा दिया और मेरा वो वाला ब्लॉग वायरल हो गया। उसके बाद मैंने एक और हेयर कटिंग वाली वीडियो डाली थी जो कि सहरसा के फेमस यूट्यूबर से मैंने कटिंग करवाया था, वो भी ब्लॉग मेरा वायरल हो गया। एंड होपफुली ये ब्लॉग भी वायरल हो जाए। तो यहाँ पर मैं फिर से कट करा रही हूँ, अपना हेयर को सेट करवा रही हूँ बेसिकली, क्योंकि अब जो मैं चाहूँगी अपने जॉब लोकेशन पर फिर मैं दुर्गा पूजा के टाइम में आऊँगी और मेरे हेयर थोड़े लंबे हो गए हैं तो जेट्स वायर का मैं एक छोटी एक पोनी भी बांधती हूँ ना तो मेरे कंधे तक आते हैं, मुझे पूरा बहुत गर्मी लगता है। इसीलिए मैं गई थी यहाँ पे पार्लर में अपना हेयर को थोड़ा सेट करवाने के लिए। एंड वट सावित्री भी आ रही है तो वट सावित्री के लिए भी न्यू लुक हो जाएगा। और आगे से मैं अपने हेयर को ना छोटा बाल करवाई हूँ क्योंकि ये मेरे सूट भी करता है और ये तो मैं अक्सर करवाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, पता नहीं वीडियो क्लिप ऐसे येलो क्यों हो गई है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। शायद सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा जिनको मैंने वीडियो करने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने इतना भी किया वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड मैंने मेहंदी भी लगा ली 2 दिन पहले के, जो कि मैं आपको अभी आगे दिखाऊँगी क्योंकि ये पार्लर में मैं गई थी तो मैंने उस दिन लगा दिया। फिर बाद में मैं किससे लगवाती, मेरी मम्मी को भी नहीं आता ना मुझे आता है, इसलिए और 2 दिन मेहंदी रह जाएगी आराम से। इसलिए तो आप लोगों ने क्या क्या तैयारी करी है वट सावित्री के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। Thank you.
जीने के लिए। लौटते वक्त हमने खरीदा समोसा और मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है, तो हस्बैंड जी ही मुझे समोसा खिलाए। मैंने वट सावित्री की मेहंदी जो है वो 2 दिन पहले लगा ली, क्योंकि फिर आंटी ने बोला लगा देते हैं। और मेहंदी यहाँ पे मेन प्रॉब्लम होता है मेहंदी का, मम्मी को भी लगाने नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है, तो आंटी ने जो है मेहंदी लगा दिया और मेरी ये वट सावित्री तक चल जाएगी मेहंदी, ये देख सकते हैं। गुल्लू रानी का हाथ बिजी है, इसीलिए मेरा काम है आज इसे समोसा खिलाना। तो चलिए मैं खिला देता हूँ और मैं भी खाता हूँ।